एट्थ तक पढ़ाई बहुत आसान होती है, नाइन्थ में ना थोड़ी सी टफ हो जाएगी पढ़ाई। ये सच बात है, क्योंकि नाइन्थ में पता है क्या पढ़ने में आता है? वर्ल्ड हिस्ट्री, पूरी दुनिया कैसी थी इस बारे में हमें जानना पड़ता है। इसमें जर्मनी, अमेरिका, रशिया, इंग्लैंड, फ्रांस, इन सब के बारे में पढ़ा जाता है। तो ये बेटा बड़ी बातें हो जाती हैं। इसका मतलब हम आपको ना थोड़ा सा मेंटली अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, थोड़ा मैच्योर बनना पड़ेगा। वैसे तो अपने आप ही हमारी सारी चीज़ें अपने आप समझ में आती जाती हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको अब सीखना पड़ेगा कि यार अब हमारा बचपना ख़त्म, ये आपके बचपन का लास्ट ईयर था बेटा। जब हम लोग 14 ईयर्स में आ जाते हैं ना बेटा, तो फिर आप मानो हम लोग करियर की तरफ बढ़ते हैं। 14, 15, 16, 17, 4 ईयर्स बहुत कीमती होते हैं। ये 4 साल जब आप 9th, 10th और फिर आप 11th और 12th जब करते हैं, तो आप अपनी पूरे भविष्य में क्या कुछ करेंगे बहुत हद तक हम इस टाइम पे डिसाइड कर लेते हैं बेटा। जो बच्चा 9th में बहुत अच्छा पढ़ने लगता है ना, जिसको पढ़ने की आदत पड़ जाती है, रोज़ मुझे 3 घंटे बैठ के पढ़ना है, फिर वो 10th में भी 3-4 घंटे निकालता है, फिर उसका टाइम पीरियड बढ़ता जाता है। जैसे अभी जो बच्चे 10th में हैं, तुमसे तो वो 2 साल बड़े हो गए, उन लोगों को ना बेटा कम से कम दिन के 6 से 7 घंटे पढ़ना चाहिए बेटा। अभी तुम लोग 6-7 घंटे पढ़ने वाली स्टेज में नहीं हो, कोई बात नहीं, हम भी नहीं थे बेटा, मैं भी नहीं थी, लेकिन जब हम बड़े होते जाते हैं तो हमारा पढ़ने का टाइम पीरियड बढ़ना चाहिए, तभी तो हम ज़्यादा चीज़ें सीख पाएंगे। तो अब आप लोग जब 9th में आओगे ना, तो आप लोग क्या कर रहे हो, कितने लोग स्कूल भी बदल रहे हैं, मतलब हम लोग जो स्कूल चला रहे हैं उसमें भी आओगे, स्कूल में भी आओगे ना बेटा, वो बेस्ट है। पता है बेस्ट क्यों है, मैं इसका कारण बताती हूँ बेटा। देखो अब तक हम क्या कर रहे थे, ट्यूशन पे काम कर रहे थे बेटा, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत जो तुम सबने भी फील की होगी, तुम पहले सुबह अपने स्कूल में जाते थे, इस स्कूल में से जाके फिर तुम शाम को हमारे पास ट्यूशन पढ़ने आते थे, और जब तुम वापस अपने घर जाते थे तो तुम लोगों को घर पहुंचते पहुंचते कम से कम 7, 7:30 बज जाते थे, ज़्यादातर के साथ यही होगा ना। इतने तक क्या होता है, सुबह हम स्कूल में निकले तो कम से कम भी स्कूल में जाने के लिए हमें हर बच्चे को 6:30 तो उठना ही पड़ेगा, 6 बजे भी उठना पड़ता होगा। अब जो बच्चा सुबह 6, 6:30 उठा है, रात के 7:30 तक वो बिल्कुल पक जाता है, फिर पढ़ेगा कैसे, रिवीजन कैसे करेगा? तो अब इसलिए हम लोगों ने सोचा कि हमारे बच्चों पे ये बर्डन है, स्कूल और ट्यूशन। अच्छा, अगर ट्यूशन नहीं पढ़ेंगे तो ये सच बात है बेटा, नंबर नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि स्कूल में टीचर्स जो पढ़ाते हैं, दैट इज नॉट एनफ, उससे काम नहीं चलता, ये एक सच बात है बिल्कुल। सिर्फ स्कूल में पढ़ के ना बेटा मार्क्स आते ही नहीं, क्योंकि आप देखो टीचर्स, आप लोग पढ़े हो हमारे पास, आपको पता होगा टीचर्स ना बेटा चीज़ों को बहुत मतलब सुपरफिशियली पढ़ा देते हैं, ऊपर ऊपर से डिटेल, अंदर की बातें ये कोई टीचर समझाता ही नहीं है। और जब तक हमें टीचर की बात अंदर तक समझ नहीं आएगी, तो हम मार्क्स तो बेशक ले आएंगे, लेकिन हमें आगे जाके बेटा सक्सेस नहीं मिलेगी। तो अब इसी चीज़ पे काम करेंगे। और फिर हमने फील किया कि ट्यूशन के बिना तो काम चलना नहीं है। किस चीज के बिना काम चल सकता है? स्कूल। तो लेकिन स्कूल तो जरूरी है, क्योंकि स्कूल नहीं जाओगे तो काम कैसे चलेगा। तो इसलिए हमने ICS में इन दोनों को बेटा मर्ज कर दिया, इन दोनों को मिला दिया। तो अब जो बच्चे 8th पास करेंगे, अब आप लोग बजाय अपने वो नॉर्मल स्कूल जाने के, जहां आप सुबह जाके दोपहर में आते थे और फिर आके फिर आपको ट्यूशन भागना पड़ता था, छोड़ते हैं उस स्कूल को, अब हम इन दोनों को मिला के और ICS प्लस पे पढ़ेंगे, जिसमें हमारे स्कूल के और ट्यूशन के घंटे घट जाएंगे। क्योंकि हमें ही पढ़ाना है तो हम तुम्हें इतना अच्छा स्कूल टाइम पे पढ़ा देंगे कि तुम्हें ट्यूशन पढ़ना ही ना पड़े। नहीं तो पहले तुम स्कूलों में धक्के खाओगे, फिर तुम ट्यूशन पे। 9th में बिना ट्यूशन के बेटा अच्छे मार्क्स नहीं आ पाते, सबको पढ़ना पड़ता है। तो अब इनमें से एक चीज छोड़नी है, तो क्यों ना हम इन दोनों को प्लस करके अपना ICS प्लस बना दें। ये हमने प्लान किया और इसलिए हमने ICS प्लस बना दिया। अब इसमें आप लोगों को अपने प्रॉपर स्कूल में जो वो अलग से जाना पड़ता था, फिर ट्यूशन आना पड़ता था, उसकी हो गई छुट्टी। अब तुम हमारे पास आओगे, हम तुम्हें ट्यूशन और स्कूल को इकट्ठा करके इतना बढ़िया पढ़ा देंगे बेटा कि तुम्हें एक तो थकना नहीं पड़ेगा। अब तुम सुबह यहाँ आओगे ना, तुम्हारा जब भी क्लास स्टार्ट होगी, सर बताएंगे वो 9 या जितने बजे शुरू करेंगे, उससे अगर हम 2 बजे तक भी पढ़ते हैं, या मान लो हम 10 से 3 बजे तक पढ़ते हैं, तो आपको उसके बाद 100% ट्यूशन नहीं जाना, आपकी स्कूल और ट्यूशन एक क्लास में हो जाएगा। और न ही आपके ऊपर हम बर्डन डालेंगे कि ये भी करो ये भी, कुछ नहीं करना बेटा, जैसे हम बताएं वैसे करते जाना, आपको पता भी नहीं चलेगा कितनी आसानी से आप देखना 9th पूरी सीख जाओगे। तो अब ज़्यादा आसान हो जाएगी पढ़ाई।